गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन किया था। अपनी एक्सरसाइज 6 है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और उनका थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन किया था। अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। अपनी एक्सरसाइज 6 है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, लास्ट क्लास थोड़ी सी आप देख लेना कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है। एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवा देता हूं, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो, कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? टू वर्ड से मिलकर बना है। नंबर वन आपका है ट्राइगोन और नंबर सेकेंड आपका है मैट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स टू वर्ड से मिलकर बना है। नंबर एक आपका है ट्राइगोन और नंबर सेकंड आपका है मैट्रॉन। ट्राइगोन मींस होता है ट्राइंगल और मैट्रॉन मीन होता है मेजरमेंट। नोट्स बनाना अच्छे से। मींस अगर ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन की बात की जाए तो आपकी डेफिनेशन रहती है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात की जाए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात की जाए तो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। नंबर वन पे क्या आता है आपका? साइन थीटा। नंबर टू पे क्या आता है आपका? कोस थीटा। नंबर थ्री पे आता है आपका टेन थीटा। नंबर फोर पे आता है आपका कोट थीटा और नंबर फाइव पे आता है आपका सेक थीटा और नंबर सिक्स पे आता है आपका कोसेक थीटा। बेटा मैंने बताया था साइन थीटा। अब यहां बात रहती है ट्राइंगल की। अब ट्राइंगल की बात रहती है तो इसमें कौन सा ट्राइंगल है भाई? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाला ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है एक एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। वो ट्राइंगल क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब बेटा देखिएगा, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी और इस साइड का नाम क्या होता है? हाइपोटेनियस। और ये होती है आपकी बेस और ये क्या है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमेशा चेंज, कभी भी चेंज नहीं होती, बट बेस और परपेंडिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होती है, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। अब देखिए, इसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि एक पंडित है, कौन सा भाई? बद्री प्रसाद। और कहां जाता है? शिव के मंदिर में। और क्या बोलता है? हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद शिव के मंदिर में गया और क्या बोला भाई? हर हर बोले। क्या बोले? हर हर बोले। मींस बेटा पी का अर्थ होता है परपेंडिकुलर और बी का अर्थ होता है बेस और एच का अर्थ होता है हाइपोटेनियस। अब आप देखिएगा, यहां नंबर एक आपको सीक्वेंस से याद रखना पड़ेगा कि नंबर एक पे आपका साइन थीटा है, नंबर टू पे आपका कोस थीटा है, नंबर थ्री पे आपका टेन थीटा है, नंबर फोर पे आपका कोट थीटा है, नंबर फाइव पे आपका सेक थीटा है, नंबर सिक्स पे आपका कोसेक थीटा है। आपको ये सीक्वेंस से थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है? पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले भाई? हर हर बोले। तो यहां नंबर एक पे ये है, नंबर दो, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव और नंबर सिक्स। बेटा आप मुझे ये बात नहीं कि नंबर वन पे क्या आता है? पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब कि साइन थीटा आपका क्या होता है? पी बाई एच। नंबर सेकंड पे आता है बी बाई एच और नंबर थर्ड पे आता है पी बाई बी, पी बाई बी। और नंबर फोर पे अब देखिएगा, इसका रिवर्स क्या आ गया आपका? बी बाई पी।
और नंबर फाइव पे देखिएगा क्या आता है, एच बाई बी। मैं पिछली क्लास में अच्छे से करवा चुका हूँ, फिर भी रिपीट करवा रहा हूँ, फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, अगले दिन आते ही वही करवा दूंगा। अब देखिए नंबर सिक्स पे आ गया आपका एच बाई पी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई कि साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी और कोस थीटा बी बाई पी और sec थीटा h बाई बी और cosec थीटा h बाई पी। बोलिएगा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आप देखिए बेटा कि sin थीटा तो आपका p बाई एच है और cosec थीटा h बाई पी है, एक दूसरे के रिवर्स है। मींस बेटा आपका अगला फॉर्मूला आता है कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा, और तो cosec थीटा भी क्या होगा 1 बाई में sin थीटा। इसके बाद आप देखिएगा नंबर सेकंड, देखिए देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा भी क्या होगा 1 बाई साइन थीटा। अगर हाँ इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, साइन थीटा को मैंने कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा भी 1 आएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है भी रिवर्स। जैसे कि मैं सीधा सा एक फ्रैक्शन लेता हूँ 2/3 और इसका रिवर्स क्या होता है 3/2, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, 2, 3, 3 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार बेटा आपने साइन थीटा किसके इक्वल होता है 1 बाई कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है 1 बाई साइन थीटा। मींस मैं साइन थीटा को मल्टीप्लाई करता हूँ कोसेक थीटा से तो वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को 1 मिलेगी। इसी प्रकार देखिए कोस थीटा तो आपका बी बाई एच है और सेक थीटा क्या है एच बाई बी, मीन्स कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा। थर्ड आपका देखिएगा सेक थीटा इंटू कोस थीटा, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां भी अपने को कितना मिलेगा भाई 1 मिलेगा। इसके बाद तीसरा देखिए आपका टेन थीटा तो क्या है पी बाई बी और कोट थीटा क्या है बी बाई पी, मतलब एक दूसरे के रिवर्स है ना, तो सीधी सी बात है बेटा यहां अगला आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, अगर मैं यहां टेन थीटा को कोट थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो गिवन वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को 1 मिलेगी, यहां वैल्यू कितनी मिलेगी 1 मिलेगी। इसके अलावा बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखना, छोटा सा एक फॉर्मूला है कि साइन थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, थोड़ा याद रखना ही, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, और आपका कोस थीटा होता है, आपका कोस थीटा होता है साइन थीटा बाई साइन, है ना, तो यहां हो जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि बेटा ये साइन का उल्टा होता है ना, ये टेन का उल्टा क्या हो गया साइन बाई कोस, टेन और टेन इज इक्वल टू साइन बाई कोस और कोट इज इक्वल टू क्या होगा कोस बाई साइन, क्योंकि साइन टेन थीटा है वो कोट थीटा का क्या होता है रिवर्स होता है, कोट थीटा किसका रिवर्स होता है टेन थीटा का। तो आपका tan थीटा इज इक्वल टू आ गया sin थीटा बटे cos थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू आ गया cos थीटा बाय sin थीटा। ये मैं पिछली क्लास में आपको करवा चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, इसके बाद ये किसके इक्वल होता है, और अभी मैंने आपको थोड़ा रिपीट करवाया, आप अच्छे से नोट्स बनाना। अब देखिएगा मुद्दे की बात तो अब है कि आपकी जो सिक्स एक्सरसाइज है वो इसी की सारणी बेसिस है, इनकी वैल्यू निकालनी है, वो अगर आपको ये फॉर्मूले आएंगे तभी आप इनकी वैल्यू निकाल पाओगे। जैसे कि मैं यहां आप मुझे जल्दी से बताइएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करूं मैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं सिक्स। अब देखिए नंबर एक पे आपका आता है साइन थीटा, नंबर दो पे आता है आपका कोस थीटा, नंबर थर्ड कौन सा है टेन थीटा, नंबर फोर्थ आपका है कोट थीटा, नंबर फाइव आपका है सेक थीटा और नंबर सिक्स आपका है कोसेक थीटा। बेटा ये आपको सीक्वेंस से थोड़ा याद रखना पड़ेगा, नंबर वन इज साइन थीटा, नंबर सेकंड इज कोस थीटा, नंबर थर्ड इज टेन थीटा, नंबर फोर इज कोट थीटा, नंबर फाइव इज सेक थीटा एंड नंबर सिक्स इज कोसेक थीटा।
आपको ये सीक्वेंस से थोड़ा करना पड़ेगा। और यहाँ अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ आता है 0 डिग्री, कितना भाई 0 डिग्री, फिर आपका आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, फिर आता है 90 डिग्री। आपकी जो एक्सरसाइज 6th है वो इसी फॉर्म सारणी के बेस पे है भाई। अब देखिएगा ये टेबल हम बनाते हैं कि सबसे पहले साइन, फिर आता है कोस, टेन कोट सेट एंड कोसेक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। और यहाँ अगर हम वैल्यू की बात करें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए थोड़ा सा इनको साइन की जो वैल्यू है उनको आप याद रखना, जैसे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2 और साइन 90 की होती है 1। ये आप थोड़ा सा याद रखना कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब कोस का इसका रिवर्स, जो आपका साइन 0 का साइन 90 का होता है वो कोस 0 का, देखो ये 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और आपका आ गया 0। ये सभी कोस की वैल्यू है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। बोलो यहां तक कोई डाउट है? उसके बाद मैंने आपको टेन थीटा के बराबर अभी फॉर्मूला बताया था कि बेटा साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है, तो इसको इससे बाहर देंगे, इसको इससे डिवाइड किया, 0 को 1 से डिवाइड किया 0 आ गया, 1/2 को डिवाइड किया √3/2 से तो आ गया 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया आपका आता है 1, इसको इससे डिवाइड किया आपका आता है √3 और 1 को 0 से किया इनफाइनाइट, क्या आ गया आपका इनफाइनाइट। अब देखिए अब इसका यहां आपका इनफाइनाइट, यहां आ गया √3, यहां है 1, 1/√3 और यहां आपका क्या है 0। उसके बाद sec थीटा की बात करें, अभी मैंने बताया कि sec थीटा है वो किसका रिवर्स होता है cos का, तो cos का हम क्या करेंगे रिवर्स करेंगे, 1/1 कितना होता है 1, इसका क्या हो गया ये √3/2 है तो ये कितना हो गया 2/√3 और यहां आ गया √2, यहां आ गया 2 और यहां कितना आ गया इनफाइनाइट, और यहां क्या हो गया इनफाइनाइट, यहां आपका 2 √2 2/√3 एंड 1। अभी मैं आपको बता देता हूं कि 1/0, 0/1 की बात करूं तो मैं तो 0 होता है और अगर 1/0 की बात करें तो आपका आता है इनफाइनाइट। बोलिएगा यहां तक कोई डाउट है? एक बार मैं ये टेबल दोबारा से समझाता हूं आपका। देखिए बेटा आपको सीक्वेंस से याद करना है, साइन थीटा कोस टेन कोट सेक और कोसेक, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहां 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहां इसकी 0 की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और क्या होता है 1 होता है। अब देखिए ये आपका 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब tan थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा के इक्वल होता है। तो यहां देखिएगा इसको इससे डिवाइड किया 0 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया 1/√3 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया 1 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया √3 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया आपका आ गया इनफाइनाइट। अब देखिए इसका यहां इनफाइनाइट √3, 1, 1/√3 और 0 आ गया। अब बेटा यहां देखिएगा sec, sec किसका रिवर्स होता है भाई? cos का होता है, तो 1/1 कितना होता है 1, इसको ऊपर ले जाऊंगा इसको नीचे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा 2/√3
और यहाँ अंडर रूट टू बाई वन को मैं अंडर रूट टू लिख सकता हूँ, और यहाँ देखिए वन बाई टू को टू बाई वन लिख सकता हूँ, और यहाँ कितना आ गया भाई इन्फाइनाइट। अब देखिए इसका रिवर्स इन्फाइनाइट, यहाँ टू अंडर रूट टू टू बाई अंडर रूट थ्री और कितना आ गया वन। और आप जानते हो जीरो को वन से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, बट वन को जीरो से डिवाइड करेंगे क्या आएगा इन्फाइनाइट। अब देखिएगा बेटा इस एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज का आपका पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, और आपका क्वेश्चन है 2 sin 45 degree इनटू में cos 45 degree, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और अपने को क्या दिया गया है 2 sin 45 degree इंटू cos 45 degree। अब देखिए बेटा यहां आप देखिएगा 2 into sin 45 degree की वैल्यू देखिए कितनी है, sin 45 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/√2 है, तो यहां मैंने 1/√2 रखा, किसकी जगह पे रखा sin 45 डिग्री की जगह रखा, और इनटू में अब बेटा देखिएगा cos 45, अब देखिए cos 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी है 1/√2, तो यहां भी मैंने क्या रखा भाई 1/√2। अब आप जानते हो कि 2 into 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर रूट को रूट से मल्टीप्लाई करें रूट के अंदर एक ही संख्या हो तो रूट क्या हो जाता है कैंसल। अब देखिएगा रूट को रूट से किया तो यहां कितना आ गया भाई 2, 2 को 2 से 2 1 पे गया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपका आंसर कितना आ गया 1। आपको क्वेश्चन दिया गया है 2 sin 45 degree इंटू cos 45 degree, और आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेटा मैंने यहां sin 45 डिग्री की जगह 1/√2 रखा और cos 45 डिग्री की जगह भी 1/√2 रखा, तो आपका आ गया 2 into 1/2, तो आपका कितना आ गया 1। इसके बाद इसी का देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक एग्जांपल लेता हूं जैसे कि मैं इसका अच्छा सा साइन 60 डिग्री एग्जांपल नंबर सेकंड है, ये एग्जांपल आपका सेकंड है और क्वेश्चन ये है साइन 60 डिग्री इनटू में कोस 30 डिग्री, साइन बीच में है प्लस का और साइन 30 डिग्री इंटू में कोस 60 डिग्री इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी क्या फाइंड करनी है भाई वैल्यू फाइंड करनी है, और आपके पास इक्वेशन क्या है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू में कोस 30 डिग्री, आपको ये दिया गया है cos 30 की जगह यहां दिया गया है बेटा cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है sin 60 डिग्री की, देखिएगा वैल्यू कितनी है √3/2 होती है कि नहीं, और cos 30 डिग्री की भी कितनी है भाई √3/2, sin किसका है भाई प्लस का, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है इसकी वैल्यू 1/2, और cos 60 की भी क्या होती है 1/2, ये आपको दिया गया है। अब देखिए रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया तो रूट कैंसिल हो गया, 2 को 2 से किया तो 3/4, प्लस में 1 को 1 से किया आपका 1 आ गया, और यहां 1/4 बेटा आपका एलसीएम आ गया 4, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, प्लस में 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से किया 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/4 कितना आ गया भाई 1, तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई 1। देखिएगा बेटा आप एक्सरसाइज 6.1 के 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक कोशिश कीजिएगा, 1 से लेकर 5 तक आप क्वेश्चन की कोशिश कीजिएगा और नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।